जो शादी में बोले जाते हैं और उसके इंग्लिश क्या होते हैं? सबसे पहले होता है बुके, जिसका मतलब होता है हिंदी में गुलदस्ता, ब्राइड दुल्हन, डाइवोर्स डैट मीन्स होता है तलाक, ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, हनीमून को हम लोग इंग्लिश में हनीमून ही कहते हैं, प्रस्ताव करना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रपोजल। जैसे कहते हैं ना कि वो उसने उसको प्रपोज किया, तो वो जो प्रपोज होता है वो क्या होता है? प्रपोजल होता है। सिंगल का मतलब होता है एक, जैसे बोलते हैं ना आई एम अ सिंगल, मैं सिंगल हूँ, डैट मीन्स आप अकेले हैं। ट्विस्ट मतलब होता है शुभकामना करना। वेडिंग केक मतलब होता है शादी का केक, जो आप शादी के समय काटते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? शादी का केक। वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है शादी के अनुबंध, डैट मीन्स शादी से पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट होती है, एग्रीमेंट, जैसे कहीं के भी हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट भी बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट, शादी के अनुबंध। वेडिंग डे का मतलब होता है शादी का दिन। वेडिंग ड्रेस ऑफकोर्स आपको पता होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शादी का जोड़ा। वेडिंग गिफ्ट मतलब होता है शादी का गिफ्ट, वेडिंग गिफ्ट। वेडिंग इनविटेशन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना शादी का निमंत्रण आया है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेडिंग इनविटेशन। वेडिंग रिंग का मतलब होता है शादी का अंगूठा, वेडिंग रिंग। वर्मिलियन होता है सिंदूर। कनेपी होता है मंडप, और डोली को हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में डोली कहते हैं। जिसे वरमाला आपने सुना होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गार्लैंड कहते हैं। हीना मतलब होता है मेहंदी, और एंकलेट मतलब होता है पायल। ईयर ड्रॉप मतलब होता है झुमका, जो कान में पहना जाता है। ब्राइडल मेकअप मतलब होता है दुल्हन का मेकअप। बैंड, जैसे आपने देखा होगा बैंड बाजा, तो उस लोग बैंड बाजा को हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में बैंड कहते हैं। बारात को हम लोग कहते हैं मैरिज प्रोसेशन, तो जो भी दूल्हे के साइड से जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं बारात वाले कहते हैं, और उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैरिज प्रोसेशन कहते हैं। माता पिता पेरेंट्स, परिवार फैमिली, पिता फादर, प्रेमिका को हम लोग कहते हैं गर्लफ्रेंड, दादाजी को क्या कहते हैं? ग्रैंड फादर, और दादी जी को ग्रैंड मदर। बच्चे को क्या कहेंगे? चिल्ड्रेन। माम या मम्मी मतलब क्या होता है? मदर। प्रेमी मतलब होता है बॉयफ्रेंड, प्रेमिका मतलब होता है गर्लफ्रेंड, और प्रेमी मतलब क्या होता है? बॉयफ्रेंड। बेदी, जो शादी के समय में यूज कर किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? अल्टर। टैक्सीडो जो पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? टैक्सीडो को इंग्लिश वर्ड ही है, टैक्सीडो को हम लोग टैक्सीडो ही कहते हैं। गलियारा, जैसे आपने शादी में सुना होगा कि क्या है गलियारा, तो उसको क्या कहते हैं? आइसल, गलियारा। पुरोहित मतलब होता है ऑफिशियंट। साक्षी मतलब होता है विटनेस। साक्षी कौन होते हैं? जिन सभी लोगों के सामने में शादी होती है वो क्या होते हैं? विटनेस होते हैं, साक्षी होते हैं। नेक्स्ट है वेडिंग वोज। वेडिंग वोज का मतलब होता है विवाह प्रतिज्ञा, विवाह प्रतिज्ञा, डैट मीन्स शादी के समय जो वर और वधू, डैट मीन्स जो ब्राइड होते हैं और ग्रूम्स होते हैं, एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विवाह प्रतिज्ञा, वेडिंग वोज। आई डू का मतलब होता है हाँ मैं बोलता हूँ, यहाँ मैं बोलती हूँ। वी आर मैरिड, डैट मीन्स हम क्या बोलते हैं? हम विवाहित हैं, वी आर मैरिड। जैसे कोई बोले कि क्या आप सिंगल हैं? नो, वी आर मैरिड, हम मैरिड हैं। वेडिंग रिसेप्शन मतलब होता है शादी का रिसेप्शन। फर्स्ट डांस मतलब होता है पहला डांस। तो ये सारे कलेक्शन थे वर्ड के, किसके? जो हम लोग शादी में यूज़ करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जो भी हम आपको इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस।